जैसा कि हम देखते हैं कि माश्रे में जो दूसरा बच्चा जब आता है में तो पहले बच्चे से ज्यादा स्मार्ट होता है आप इसको करती हैं? इट्स केसेस बट यस वी कैन से हाँ जनरली हम ऐसा देखते हैं माशरे में कि अमूमन पेरेंट्स यही कह रहे होते हैं कि हमारा छोटा वाला जो है ये बहुत स्मार्ट है uh, इसका एक रीजन ये हो सकता है कि इमिटेशन इज अ करेक्टर ऑफ अ चिल्ड्रन इमिटेशन एक एक ऐसी करेक्टरिस्टी है जो कि हर बच्चा कर रहा होता है जो कि हर बच्चे का समझिए पर्सनैलिटी ट्रेड बन जाता है जब पहला बच्चा घर में आता है तो वो ख़ुद पहला नया होता है ज़ाहिर है अच्छा पेरेंट्स के लिए भी एक न्यू एक्सपीरियंस होता है पेरेंट्स भी ज़ाहिर एक्सपीरियंस नहीं होते उनका पहला बच्चा होता है तो वो उस पर तमाम एक्सपीरियंसिस जो हैं वो फर्स्ट टाइम उसी पर कर रहे होते हैं अगर बच्चा नफसियाती बीमारी से गुजर रहा है तो क्या इसका आई भी अफेक्टेड होगा इसका जो मेन और कॉमन रीज़न हमें नज़र आता है वो स्क्रीन टाइम है। काइंडली आई रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स कि एक तो बच्चों का स्क्रीन टाइम लिमिट करें उसके अलावा ये जो शफलिंग ऑफ वीडियोस वाला जो ये है ये इसको बच्चों के लाइफ से ओमिट करें इस चीज़ को शैतर बसमी वाह वसल वालमगान नजब की जानब से चाइल्ड हुड मैंटर डिसआर्डर्स के सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ मेरी तरफ़ से देखने वाले तमाम नाजरन को असल वरि व चाइल्ड हुड मैटर डिसऑर्डर्स के बारे में एक बार फिर डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से कॉमन ईशूज़ हैं कि जिसके बारे में पेरेंट्स और टीचर को आगाह होना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कौन से कॉमन ईशोज़ हैं कि जो बच्चों में सामने नज़र आते हैं या आगे पेश आते हैं कि बच्चे उन कॉमन इश्यूज से गुज़र रहे हैं तो मैं हूँ सैयद हमदिन जहरा रिजवी और आज हमारे सामने इस वक्त दोबारा मौजूद हैं सैयद अफशिन जहरा जो अभी फातमी एजुकेशन सिस्टम में एज आ साइकोलॉजिस्ट अपने फ़राइज अंजाम दे रही हैं और इसके साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज पर ऑनलाइन सेशन भी कंडक्ट कर रही हैं वालेकुम अफशीन जहरा वालेकूम असल कैसी हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है आप कैसी हैं अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ अच्छा अब हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ इस सवाल से करते हैं जैसा कि आप जानती हैं कि रिसेंटली बच्चे अपने एग्जाम से फारिग हुए हैं तो हम मेमोराइजेशन टेक्निक जानना चाहते हैं वैन एवर वी टॉक अबाउट मेमोराइजेशन टेक्निक्स सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मेमोराइज करने के लिए चीज़ों को अपने माइंड में रिटेन करने के लिए ज़रूरी यह है कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस का इस्तेमाल करें फॉर एग्ज़ाम्पल जनरली हम अपने माशरे में यह देखते हैं कि जब बच्चे या जो भी लर्नर्स हैं वो अगर वो कुछ याद कर रहे होते हैं तो जस्ट कॉपी सामने रखी हुई होती है और इस तरह से रीडिंग हो रही होती है जो कि ख़ुद उनको भी सुनाई नहीं दे रही होती कि वो क्या रीड आउट कर रहे हैं ज़रूरी यह है कि आप अपने ज़्यादा सेंसेस यूज़ करें किस तरह जैसे अगर कोई भी एक क्वेश्चन बच्चे को याद करना है तो सिर्फ उसको अपनी लिपसिंग के ज़रिए सिर्फ नहीं पढ़ें बल्कि साथ साथ ज़ोर से पढ़ें कि वो आपके खुद के कान में भी उसकी आवाज़ आए इट्स मीन कि आपका जो है वो हेयरिंग का सेंस यूज़ हो रहा है प्लस विजन सेंस तो यूज़ हो ही रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं तीसरा टेक्टाइल सेंस भी यूज़ करें जो चीज़ बच्चे पढ़ रहे हों याद करने के लिए उस पर उसको फिंगर आउट भी करें उस पर फिंगर अपनी रखें ताकि आपके तीनों सेंसेस यूज़ हो रहे हो एक साथ इस तरह से देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं उन भी रहे हैं और उसको टच भी करें एग्जैक्टली जितने ज़्यादा सेंसेस हम यूज़ करते हैं उतनी ज़्यादा वो मेमोरी हमारे माइंड में रिटेन रहती है दे आर सो मेनी टेक्निक्स ऑफ मेमोराइजेशन फ़ॉर एग्ज़ाम्पल विजुलाइजेशन है कैटेगराइजेशन है एसोसिएशन है ये तमाम ऐसी टेक्निक्स हैं कि जो हम याद करने के लिए यूज़ कर सकते हैं मैं यहाँ डिफ़ाइन करूँगी कि किस तरह जैसे आ, हम अपने बचपन में रैम्बो के कलर्स हमें याद कराए जाते थे अब मुझे वो नहीं याद होते थे कलर्स सेवन कलर्स उसके लिए मैंने एक टेक्नोलॉजी इस तरह से एब्लिवेशन बनाई जैसे विग्योर और, और मे बी पॉसिबल कि और भी लोग इस तरह से करते हों टेक्निक टेक्निक यूज़ करते हों इस टेक्निक से ये होता है कि जब आपने कोई एसोसिएशन कर दी किसी भी एक लर्निंग पैटर्न के साथ तो जब भी वो चीज़ आपके सामने आएगी तो आप उस एसोसिएशन को याद करेंगे तो आपको तमाम चीज़ें याद आना शुरू हो जाएंगी फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर रेम्बो कलर्स का क्वेश्चन आता है सामने मैं बहुत सिंपल और ईज़ी एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ बह बहुत सारी चीज़ों में इस एग्ज़ैम्पल को यूज़ कर सकते हैं विब ग्योर के वर्ड को यूज़ किया सोचा माइंड में वी से वॉलेट आई से इंडिगो बी से ब्लू तो ये कि फ़ॉर आपके जहन में सारे कलर्स आ जाएंगे इट्स मीन कि एसोसिएशन की टेक्निक यूज़ करके हमने कितनी आसानी से चीज़ों को मेमोराइज़ कर लिया इसी तरह कैटेगराइज़ेशन फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम बच्चों को वेजिटेबल्स के नेम लर्न करवा रहे हैं तो कैटेगरीज़ बना लें कि ग्रीन रेड येलो इस तरह से आपने कैटेगरीज़ बना ली कलर्स की तो अब बच्चे को एक साथ फ़िफ्टीन टू ट्वेंटी नेम्स याद करने में प्रॉब्लम होगी तो आप कैटेगराइजेशन जब कर लेंगे तो बच्चे को याद रहेगा कि ग्रीन में, uh, में ये वाली वेजिटेबल्स आती हैं रेड में ये वाली वेजिटेबल्स आती हैं तो ये मेमोराइज़ करना आसान होगा उसका इसी तरह एक और टेक्निक हम यूज़ करते हैं विजुलाइजेशन उसमें हम क्या करते हैं जैसे पर्सनली मैं ख़ुद uh, ये वाली टेक्निक बहुत यूज़ करती हूँ और इससे जो है मुझे चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं वो टेक्निक ये है कि आप किसी भी आ, किसी भी टॉपिक पे आप कोई लर्निंग कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पे आपको कुछ याद करना है अगर तो कहीं पर जहाँ पे भी आप याद कर रहे हैं कॉर्नर पे कहीं उसका इमेज बना लें या कोई भी एक ड्राइंग ऐसी जो आपको फिजिबल लगे वो ड्राइंग वहाँ पर बना लें उससे ये होगा कि जब वो टॉपिक आपके पेपर में आएगा तो आप पहले उस ड्राइंग को याद करें उस वो जो आपने इमेज बनाया होगा वो इमेज याद करें क्योंकि उस इमेज से एसोसिएट करके आपने उस टॉपिक को याद किया होगा तो पेपर में अगर आप भूल भी रहे होंगे ना वर्डिंग्स, तो सिर्फ वो इमेज याद करेंगे तो आपको पूरी वर्डिंग्स खुद ब खुद याद आती चली जाएंगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एग्जाम्स में बोले वो कोई किसी चैप्टर के सवाल बहुत मुश्किल लगते हैं exactly. एक्जैक्टली पसंद किनसी कि आप इस पर कोई भी चीज ड्रा कर उन्होंने exactly. वो ड्रा कर लिया और, और तो उससे कोई एसोसिएशन कोई लिंक बना ले उसका ठीक है जैसे हम स्टोरीज के जरिए बनाते हैं या हम कोई भी किसी भी बात का किसी चीज से लिंक बना ले इट डिपेंड्स ऑन योर ओन फिजिबिलिटी कि आपको चीज़ खुद चीज़ क्या चीज़ है जो आपको फिजिबली याद रह सकती है छोटे बच्चों के लिए तो आपने बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया कि बच्चे से वो सवाल उनके दिमाग में फौरन ही आ जाए एग्जैक्टली exactly. चीज़ बताए बिल्कुल एग्जैक्टली अच्छा अच्छा दूसरा सवाल ये है कि जैसा कि हम देखते हैं कि माशरे में जो दूसरा बच्चा जब आता है दुनिया में तो पहले बच्चे से ज़्यादा स्मार्ट होता है आप इसको एग्री करती हैं और क्यों होता है नो इट्स नॉट नेसेसरी इन ऑल केसेस बट यस वी कैन से हाँ जनरली हम ऐसा देखते हैं माशरे में कि अमूमन पेरेंट्स यही कह रहे होते हैं कि हमारा छोटा वाला जो है ये बहुत स्मार्ट है जी बिल्कुल ऐसे होता है uh, इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि इमिटेशन इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ चिल्ड्रन इमिटेशन एक ऐसी एक करैक्टरिस्टिक है जो कि हर बच्चा कर रहा होता है जो कि हर बच्चे का समझिए पर्सनैलिटी ट्रेड बन जाता है इमिटेशन पहले मैं आपको बताऊं कि इमिटेशन क्या होती है इमिटेशन एक ऐसा प्रोसीजर है कि जिसमें बच्चा देख रहा होता है कि सामने वाला क्या कर रहा है और बच्चा उसको देख कर एज़ इट इज़ वही चीज़ कॉपी कर रहा होता है दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड इमिटेशन जब पहला बच्चा घर में आता है तो वो ख़ुद पहला नया होता है जाहिर है अच्छा पेरेंट्स के लिए भी एक न्यू एक्सपीरियंस होता है पेरेंट्स भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते उनका पहला बच्चा होता है तो वो उस पर तमाम एक्सपीरियंसिस जो हैं वो फ़र्स्ट टाइम उसी पर कर रहे होते हैं तो पेरेंट्स भी प्रिपेयर नहीं होते बच्चे के सामने भी कोई और रोल अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है अगर न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है तो बच्चा घर में अकेला बच्चा है तो वो दूसरे बड़ों को तो देख रहा है लेकिन वो उसके सामने कोई दूसरा बच्चा नहीं है जो कि एज अ रोल मॉडल उसके सामने इसको इमिटेट कर सके बन इस इसके जब दूसरा बच्चा आता है तो क्या दो क्या फैक्टर्स होते हैं एक तो ये कि पेरेंट्स जो होते हैं वो एक्सपीरियंसड हो चुके होते हैं पेरेंट्स अपने तमाम तजुर्बात अपनी तमाम चीज़ें जो हैं वो उस पर बच्चे पे अपने एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं पहले बच्चे पे दूसरा क्या होता है कि छोटे बच्चे के लिए इमिटेट करने के लिए बड़ा बहन या भाई एक रोल मॉडल के तौर पे होता है अब बड़े बहन भाई को अगर बच्चा कॉन्फिडेंट देख रहा है कॉन्फिडेंटली सबसे बात करता हुआ देख रहा है सोशली इंटरेक्ट होता हुआ देख रहा है तो ये तमाम चीज़ें जो कि पहले बच्चे को सिखानी पड़ी थी छोटा बच्चा सिर्फ देख कर सीख रहा है जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस सेशंस में ये बात कही थी कि बच्चों की तरबियत में या बच्चों को कोई भी चीज़ अगर हमें बच्चों को सिखानी है उस उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि बच्चों का इन्वायरमेंट देखें कि इन्वायरमेंट कैसा है बच्चे को आप जैसा इन्वायरमेंट देंगे बच्चे को आप जैसे बिहेवियर्स आप खुद देंगे बच्चा रिटर्न में वही करेगा ऐसा बच्चा क्यों कर रहा है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इमिटेशन बच्चे की खसूसियत है कि वो इमिटेट करता है देख के बिहेवियर्स को इसीलिए दूसरा बच्चे का मे बी पॉसिबल कि ये रीज़न हो सकता है कि दूसरे बच्चे जो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं कि वो देख रहे होते हैं अपने बड़े बहन भाई को तमाम वो एक्टिविटीज़ करते हुए जो कि उनकी एज अप्रोप्रिएट नहीं होती ज़्यादा वो एज में छोटे हैं लेकिन बड़ा बहन भाई वो चीज़ कर रहा है तो वो कोशिश करते हैं उन चीज़ों को कॉपी करने की तो इसलिए वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं वो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं उनके पास एक अपर हैंड होता है साथ में बहन या भाई का तो ये एक बहुत अच्छी सपोर्ट होती है छोटे बहन भाई के लिए अच्छा नहीं जैसे अमूमन हम मैं अपने एक घर का एक्सपीरियंस दूँ मेरा पहला बेटा है फिर बेटी है लेकिन शुरू से जैसे बेटा था उसमें वो चीज़ें नहीं मिली जो बच्ची जब मेरी बेटी थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई दो साल तीन साल तो वो चीज़ें उसमें बिल्कुल चेंज आती रहीं क्या लिहाज से मुझे खास पर एजुकेशन के लिहाज से बहुत फ़र्क आया दोनों बच्चों में ठीक सो so, ये रीज़न सबसे ज़्यादा मैंने कहा मैं आपसे पर्सनली भी ये सवाल था कि इस पर मैं डिटेल में आपसे पूछूँगी लेकिन क्या रीज़न क्या है कि आने वाले आगे जो इन जो पहला बच्चा है उनका दूसरा बच्चा हो तो वो चीज़ वो ना करें जो हम कर चुके हैं कि इसका मेन रीज़न क्या होता है देखिए ये चीज़ से अपने आप को रोक देखिए हम किसी भी एक केस के बारे में जान के हम इस चीज़ को जो है वो जनरलाइज नहीं कर सकते देर आर सो मैनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस देर आर सो मैनी इंडिविजुअल फैक्टर्स कि जिस पर अगर हम बात करेंगे तो फिर गुफ्तु हमारी बहुत तवील हो जाएगी लेकिन मैं आपको यहाँ जनरलाइज़ करके अगर मैं आपको इसका आंसर दूँ तो ये है कि देखें हर बच्चा एक अलग आई के साथ पैदा हो रहा है ठीक है हर बच्चे का ब्रेन केमिस्ट्री अलग है ठीक है इंडिविजुअल डिफरेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि तमाम पेरेंट्स को और तमाम टीचर्स को समझना चाहिए एवरी वन इज़ यूनिक हर बच्चे का अपना अलग माइंड है हर बच्चे के अपनी अलग सोच है उसी हिसाब से वो बिहेवियर्स कर रहा होता है ठीक है मैंने अपने प्रीवियस सेशंस में भी ये बात कही थी कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता अच्छा जनरली अगर आप ये कह रही हैं कि आपने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि दूसरा बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट भी ज़्यादा होता जादा है हो। ये कहना चाह रही हैं आप तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर केस में ऐसा ही हो समाइम ऐसा भी होता है जैसे मैं अगर, अगर अपनी ही पर्सनल बात करूँ तो मेरा जो फर्स्ट चाइल्ड है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है दूसरा बच्चा दूसरी चीज़ों में माशाल्लाह बहुत एक्टिव है लेकिन अगर हम आईक्यू लेवल की बात करें तो ये डिपेंड करता है ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा ऐसा ही हो हाँ लेकिन जहाँ तक हम स्मार्टनेस की कॉन्फिडेंस की और जो सोशल इश्यूज़ हैं अगर हम उनकी बात करें तो उसके लिए जो मैंने आंसर आपको पहले दिया था वो यही वजुहत हैं लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है डिपेंड करता है हर बच्चे का अपना लगाई क्यों है एग्जैक्टली exactly. सही अच्छा अब एक सवाल हमारा यही है कि अगर बच्चा नफसियाती बीमारी से गुजर रहा है तो क्या इसका आई भी अफेक्टेड होगा नहीं ये एक बहुत अच्छा सवाल है जो आपने मुझसे किया हमारे माशरे में ये बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि अगर किसी बच्चे को आयर वो ऑटिस्टिक है आयर वो ए का पेशेंट है आ, या कोई भी और साइकोलॉजिकल इशू है किसी बच्चे के साथ तो टीचर्स और पेरेंट्स ऐसा तसवर कर रहे होते हैं कि इसका आईक्यू लेवल भी बहुत ख़राब होगा या कोई बच्चा अगर लर्निंग डिसेबिलिटी का भी अगर शिकार है जैसे डिसैक्सिया डिस्कैल्कोलिया डिसग्राफिया ये तमाम वो डिसऑर्डर्स हैं जिसका अपने प्रीवियस सेशनज़ में मैं आप लोगों को ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ अगर कोई बच्चा इन डिसऑर्डर्स का शिकार भी है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि उसका आई क्यू लेवल भी कम हो क्या वजह है इसकी वजह यह है, है कि ब्रेन में देर आर सो मैनी पार्ट्स इन आवर ब्रेन पैरिटल लोब टेम्पोरल लोब जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या जो मेडिकल के जानते हैं मेडिकल के बारे में वो यकीन में मेरी बात को बेहतर समझेंगे कि ब्रेन में डिफरेंट पैरिटल लोब टेम्पोरल लोब ऑक्सीपिटल लोब ये डिफरेंट लोब्स हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन्स हैं इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बच्चे का हर पार्ट डोमिनेंट हो और हर पार्ट रेसेसिव हो डिपेंड करता है कुछ बच्चों में कुछ पार्ट्स की वर्किंग और फंक्शनिंग डोमिनेंट होती है कुछ बच्चों में कुछ पार्ट्स की फंक्शनिंग और वर्किंग रेसेसिव होती है तो डिपेंड करता है इस पर कि आपके बच्चे का अगर फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा एब्सट्रेक्ट थिंकिंग में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में वीक है तो हो सकता है कि आई में वो बच्चा बहुत स्मार्ट हो दूसरे बच्चों के बनेसबाँ जबकि एक बच्चा अगर आई में वीक है तो हो सकता है कि वो स्पोर्ट्स में बहुत पीछे हो उसकी वजह यही है कि ब्रेन केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि हर बच्चे की ब्रेन केमिस्ट्री अलग है तो बिल्कुल आईक्यू का इन तमाम साइकोलॉजिकल इश्यूज से कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं होता आईक्यू एक अलग चैप्टर है और ये तमाम डिसऑर्डर एक अलग चैप्टर हैं इट्स नॉट नेसेसरी कि जिसका आई लो हो उसको ये डिसऑर्डर ही होगा या जिसका आई हाई हो उसको ये डिसऑर्डर हो ही नहीं सकता ऐसा नहीं है अच्छा सही है आपने बहुत अच्छी बात बताई इसी तरीके से हमारा एक सवाल ये है कि बच्चों में लो अटेंशन स्पेन और हाइपर एक्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है वॉट इज़ द रीज़न जी बिल्कुल लो अटेंशन स्पेन और हाइपर एक्टिविटी के इशू हम आजकल बहुत ज़्यादा अपने माचरे में देख रहे हैं कि हम बहुत से पेरेंट्स ये शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे के साथ ये इशूज़ हैं पहले तो मैं यहाँ छोटा सा एक इंट्रो बताऊँ कि ये इशूज़ होते क्या हैं एक्चुअल ना लोअर टेंशन स्पेंड का मकसद ये एक इसको हम इस तरह समझा सकते हैं फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को आपने कोई एक्टिविटी दी आपने उसको बोला कि यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी इन फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स लेकिन दो से तीन मिनट के बाद ही बच्चा उससे बोर होने लगा बच्चे का उससे दिल हट गया और उसको नाओ ही सम अनदर एक्टिविटी उसको कोई दूसरी एक्टिविटी चाहिए उस एक्टिविटी में कुछ देर रहने के बाद उसको फिर दोबारा कोई तीसरी एक्टिविटी चाहिए मतलब शिफ्टिंग ऑफ एक्टिविटीज़ हो रही है वो कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी एक एक्टिविटी कोई भी एक काम अंजाम नहीं दे पा रहा दिस इज़ द लो अटेंशन स्पैन का प्रॉब्लम कहलाता है ये दिस प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड लो अटेंशन स्पैन प्रॉब्लम कि इट्स मीन कि उस बच्चे का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत लो है कि वो किसी भी एक चीज़ पर थोड़ी ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाता थोड़ी देर तक उस पर अटेंटिव नहीं हो पाता इसका जो आ, हम अगर अपने माशरे की बात करें आज की बात करें तो जो सबसे एक मेन और कॉमन रीजन हमें नज़र आता है वो स्क्रीन टाइम है आपको पता है कि स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है स्क्रीन टाइम में ही प्लस एक बात और ये कि जो स्क्रॉलिंग होती है एक के बाद दूसरी जो शिफ्टिंग्स हो रही होती हैं आप देखते हैं बच्चे जो है फिंगर्स ऐसे स्विप अप कर रहे होते हैं और एक के बाद दूसरी वीडियो आ रही होती है फिर तीसरी वीडियो आ रही होती है तो जो ये वाली जो एक्टिविटी अब स्क्रीन टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इसकी वजह से बच्चों के जो माइंड है माइंड में इनकोडिंग हो रही है शिफ्टिंग की वो एक दो कुछ सेकंड्स की वीडियो देख के दोबारा कोई दूसरी वीडियो है जो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है उसको स्वेप अप करेंगे तो कोई तीसरी वीडियो शुरू हो जाएगी जो उससे बिल्कुल मुख्तफ है वॉट डज़ इट मीन्स कि उनका जो ब्रेन है लेकिन जो बिहेवियर्स बच्चे कर रहे होते हैं चाहे बच्चे या बड़े वही तमाम बिहेवियर्स वही तमाम आदात जो है, हैं वही उनका करेक्टर बिल्ड कर रही होती हैं और वही चीज़ें उनके ब्रेन में इनकोड हो रही होती हैं अब बच्चा मोबाइल पे पर अप कर रहा है एक के बाद दूसरी दूसरी के बाद तीसरी तीसरी के बाद चौथी वीडियो बज़ाहिर हमें लग रहा है इससे कुछ नहीं हो रहा इससे बहुत कुछ हो रहा है हमारे माइंड में इनकोडिंग ये हो रही है बच्चे के माइंड में इनकोडिंग ये हो रही है कि बस एक चीज पर इतना अटेंशन देनी है उसके बाद फौरन शिफ्ट कर देना है तो यही वजह है कि हमारे बच्चे आज कंसिस्टेंट नहीं है हमारे बच्चे आज अटेंशन स्पेंड बच्चों का हमारे कम से मज़ीद कम से कम होता चला जा रहा है कि वो नहीं कर पा रहे कॉन्सेंट्रेट ये है मेन रीज़न जो है उसका स्क्रीन टाइम और स्क्रीन टाइम में भी प्लस जो मैंने आपको ये वाली ये जो वीडियो शफलिंग बताई है ना ये ये वजह है सबसे बड़ी वजह अच्छा दूसरा आपने उससे पूछा हाइपर एक्टिविटी हाइपर एक्टिविटी का भी रीज़न यही है हाइपर एक्टिविटी के बच्चे भी उनका सेटिन टॉलरेंस नहीं होता वो थोड़ी देर भी सीट पे नहीं बैठ सकते उनको उठ के भागना होता है जैसे ये सिम्टम मैंने आपको जब मैं हमने बात की थी अपने प्रीवियस सेशन में ए की बात की थी हमने तो ए का ये एक बहुत मेन सिम्टम था हाइपर एक्टिविटी मैंने बताया था ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा अगर हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम से गुजर रहा हो तो वो ए ही हो इट्स नॉट नेसेसरी आजकल हम नॉर्मल जो बच्चे जिनमें साइकोलॉजिकल इश्यूज नहीं भी हैं उनमें भी हम ये सिम्टम देख रहे हैं कि वो एक जगह बैठ नहीं पाते उनका सिटिंग टॉलरेंस नहीं होता उन्हें इधर उधर भागना है उन्हें सुकून से बैठ के किसी की बात नहीं सुननी उनके लिए मुश्किल हो रहा होता है थोड़ी देर तक किसी की बात सुनना कोई भी एक काम थोड़ी देर तक किसी एक काम पर लगे रहना तो ये दोनों जो इशूज़ हैं इसका जो मेन रीज़न है वो यही है सो प्लीज़ काइंडली आई रिक्वेस्ट यू ऑल पेरेंट्स कि एक तो बच्चों का स्क्रीन टाइम लिमिट करें उसके अलावा ये जो शफलिंग ऑफ वीडियोस वाला जो ये है ये इसको बच्चों के लाइफ से ओमिट करें इस चीज़ को अगर आप बच्चे को कोई कोई चीज़ दिखा भी रहे हैं अगर स्क्रीन पे तो कोई कंस्ट्रक्टिव वीडियो दिखाएं जो कम से कम 15 टू 20 मिनट्स में बच्चे को कोई मैसेज मिले उससे यानी आपने ये बहुत अच्छा मैसेज दिया कि एक तो आप ख़ास तौर पर आप इससे रोकें बच्चे को इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा एग्जैक्टली एक सवाल और है कि आजकल बच्चों की मुँह से जो है स्ट्रेस कवर्ड हम बहुत सुनते हैं इसकी क्या वजह है इसकी वजह भी कुछ नहीं है इसकी वजह एक्सपोजर है हमारे दौर में हमारा क्या एक्सपोजर था कि हम सब मिलके साथ खेल रहे हैं हम लोगों के आ, हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ इतनी होती थी कि हम हमें पता ही नहीं होता था कि टेंशन क्या होती है या सर में दर्द क्या होता है बच्चे तो ये जानते ही नहीं थे आज का बच्चा ये जानता है किड एक बिल्कुल आठ नौ साल के सर में दर्द सर में दर्द हो रहा है बीपी लो हो रहा है तबीयत ख़राब हो रही है चक्कर आ रहे हैं ये तमाम ऐसे सिम्टम्स हैं जो आज हम छोटे छोटे बच्चों से भी सुन रहे हैं उसका भी एक ये बहुत बड़ा रीज़न यही है स्क्रीन टाइम ज़ाहिर स्क्रीन टाइम जो है डॉक्टर जावेद इकबाल हैं वो ये कहते हैं इसके बारे में कि आपको अगर ये कहा जाए कि बच्चे के हाथ में अंगारा रख दें तो मैं ये कहूँगा कि आप बच्चे के हाथ में जलता हुआ अंगारा रख दें लेकिन मोबाइल ना दें बच्चे के हाथ में इतने ज़्यादा नुकसान हैं इसके लेकिन एज बींग पेरेंट्स हम सब ए, इस बात को इस तरह अहमियत नहीं देते जितनी कि देनी चाहिए क्योंकि आजकल आज के दौर में मल्टीपल इशूज़ मल्टीपल प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू दिस रीज़न उसका रीज़न उसका रूट कॉज यही है स्क्रीन टाइम अच्छा अकेडमिक अकेडमिक जैसे बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से सवाल है कि एडमे अकेडमिक स्ट्रेस क्या बच्चों के जहन पर इसका क्या असर होता है देखिए स्ट्रेस में तो बच्चों को होना ही नहीं चाहिए बच्चे को स्ट्रेस किसी भी हवाले से नहीं होना चाहिए बच्चे स्ट्रेस आउट कब होते हैं बच्चे को स्ट्रेस कब होता है आप बच्चे को अगर किसी भी ऐसे काम का कहेंगे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपके सामने यहाँ पर एक कोई इबारत लाकर रखूँ या कोई एक बुक रखूँ जिसमें पूरी चाइनीज़ लिखी हुई हो और मैं आपसे कहूँ कि ये चाइनीज़ बुक है इसको आप मुझे पढ़ के दिखाएं आप पढ़ सकेंगी उसे नहीं पढ़ सकेंगी तो आपको कैसा फील होगा आप जब नहीं पढ़ पाएंगी और मैं आपको बोलूँ नहीं आपको पढ़ना है यू हैव टू डू दिस मैं आपको बोलूँ नहीं मैं आपको एक दिन दे रही हूँ आप एक दिन में इसकी पूरी तैयारी करें एंड नेक्स्ट डे मुझे ये सुनना है आपसे यू हैव टू डू दिस तो आपकी क्या फीलिंग्स होंगी ज़ाहिर है आप सही बात है स्ट्रेस बढ़ जाएगा और मैं ये सोच सोच के मैंने पढ़ ही नहीं सकती कर ही नहीं सकती मैं एक्जैक्टली ऐसा ही है ना हम जनरली अपने माशरे में बच्चों के साथ हम पेरेंट्स यही कर रहे होते हैं हम बच्चों को उन चीज़ों के लिए प्रेशराइज़ कर रहे होते हैं जो कि बच्चों के लिए मुश्किल होती है करना ये हमें बच्चों के पेस पे आके हमें ख़ुद समझने की ज़रूरत है हम मैंने बहुत से पेरेंट्स को ये देखा है कि वो बच्चों को अपने बराबर समझ रहे होते हैं कि बच्चे हमारे बराबर हैं जो चीज़ हमारे लिए आसान है वो बच्चों के लिए भी आसान है बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे बच्चों को अगर मैं इस वक्त मैंने ये टाइम सेट किया है इस काम के लिए तो बच्चों को इस वक्त यही करना नहीं पता कि उस वक्त बच्चे के दिमाग में क्या चीज़ चल रही है बच्चे का इंटरेस्ट किसी और तरफ है या उस वक्त बच्चा या मे बी पॉसिबल कि जो काम जो एक्टिविटी आप बच्चे को करने के लिए कह रहे हैं आपको लग रहा है कि वो आसान है लेकिन क्या पता कि बच्चे को वो बहुत मुश्किल लग रही हो लेकिन आप अगर उसको फोर्स करेंगे अगर आप उसको प्रेशराइज़ करेंगे तो फिर बच्चा स्ट्रेस में जाने लगेगा और जब बच्चा स्ट्रेस में जाता है तो कॉर्टिसोल हार्मोन बच्चे की बॉडी में रिलीज होने लगता है एड्रीनिक्लाइन है हमारी बॉडी में जो कि इस हार्मोन को रिलीज़ करते हैं जब बच्चा स्ट्रेस में जाएगा कॉर्टिसोल हार्मोन बॉडी में रिलीज होगा कोर्टिसोल हार्मोन के बहुत ज़्यादा नुकसान हैं बच्चा अटेंटिव नहीं रह पाता बच्चों के स्लीप इशूज़ सामने आएंगे बच्चे बच्चा कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाएगा बच्चे की सेल्फ इस्टीम लो हो जाएगी बच्चे की सेल्फ एफिकेवल लो हो जाएगा तो ये तमाम चीज़ें ये तमाम जो फैक्टर्स हैं वो पेरेंट्स ख़ुद बच्चे के अंदर बिल्ड कैसे करें उसको इस्ट्रेस में डाल के लिहाजा जो आपने बात की अकेडमिक इस्ट्रेस की मैं टीचर्स को भी यही सजेशन देनी चाहूँगी कि देखें जैसे कि हमने बात की इंडिविजुअल डिफरेंस की कि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक अगर कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा है और कोई बच्चा इंग्लिश में अच्छा नहीं है तो इट डजेंट मीन कि वो उस बच्चे का आई लेवल बिल्कुल लो है और वो कोई बहुत डफर बच्चा है ज़रूरी नहीं है कोई बच्चा अगर मैथ्स में अच्छा है तो पॉसिबल है इंग्लिश में अच्छा ना हो कोई अगर इंग्लिश और मैथ्स में बहुत अच्छा है तो मे बी वो उर्दू में वीक हो अगर हम खुद अपनी बात करें तो हम भी हर एरिया में तो हम स्ट्रांग नहीं है ना कुछ एरियाज़ हैं जिसमें हम स्ट्रांग हैं okay. कुछ एरियाज़ हैं जिसमें हम वीक हैं लेकिन अगर एज अ टीचर मैं क्लास में जाऊँ और मैं देखूँ कि भाई क्लास में नौ बच्चे तो ये वाले क्वेश्चन को कर पा रहे हैं एक बच्चा है या दो बच्चे हैं जो नहीं कर पा रहे अब मैं उस वक्त बच्चों को डांटूँ कि तुम क्यों नहीं कर रहे जब मैंने यहाँ पर समझाया मैंने यहाँ पे तुम्हें पूरी ब्रीफिंग दी सब कुछ समझा दिया उसके बावजूद भी आप क्यों नहीं अटैम्प कर पा रहे इस क्वेश्चन को तो इस का मकसद है कि ये समझने की जरूरत है टीचर्स को भी पेरेंट्स को भी कि मे बी पॉसिबल कि उस बच्चे को वो चीज़ नहीं समझ आई हो क्योंकि उसकी ब्रेन केमिस्ट्री बाकी नौ बच्चों की ब्रेन केमिस्ट्री से डिफरेंट है और बच्चे इस मामले में जब टीचर्स सब बच्चे होते हैं उनके सामने जब डांटते हैं तो बच्चा और ज्यादा वो बिल्कुल बच्चों को सबके सामने डांटेंगे आप तो बच्चा डिसरिस्पेक्ट होगा और बच्चे को डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो फिर बच्चे से आप कभी भी उम्मीद ना करेंगे फिर वो आपको रिस्पेक्ट देगा यानी वो जब पीरियड आता है जैसे कुछ बच्चे होते हैं मैं अपने ही घर आने से बोलूँ कि बच्चे ये बुक कर रहे होते हैं माँ खेल नहीं भाई वो पीरियड आ रहा है अब हमें तो करना ही नहीं है बिल्कुल उससे पहले ही बच्चे एनजाइटी में जाने लगते हैं उससे पहले ही कि औ, औ, भाई हमें पता है कि मैं वीक हूँ इस चीज़ में इस पीरियड में मैं वीक हूँ और मुझे मिस भी डांटेंगी जब मैं क्लास में जाऊँगा क्योंकि मुझसे होता ही नहीं है मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आ रही होती है नहीं इसका मेन किरदार जो है वो टीचर का बिल्कुल एग्जैक्टली कि टीचर को ये चीज़ समझनी चाहिए और फिर उस तरह वर्कआउट करना चाहिए बच्चे को टाइम दें अगर आ, कुछ नौ बच्चे एक हफ्ते में कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस बच्चे को आप टू वीक्स दे दें उस एक्टिविटी को करने के लिए कि भाई अगर उस बच्चे को प्रॉब्लम है उस चीज़ में तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे तो इन उसमें से वो चीज़ भी खत्म हो जाएगी एक्जैक्टली बिल्कुल लेकिन अगर आप उसको डांटेंगे डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो फिर उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा और जितना बच्चे को आता होगा ना जिन एरियाज में बच्चा स्ट्रांग होगा वो उन एरियाज में भी बच्चा वीक हो जाएगा फिर भी होता है जी बिल्कुल यानी अगर ऐसा बच्चा के जो स्ट्रेस का शिकार है तो उसको कैसे डील किया जाए फिर यही तरीका है देखें स्ट्रेस का शिकार एक तो बच्चे को स्ट्रेस का शिकार होने ही ना दें सबसे पहली बात तो ये ठीक है लेकिन फिर अगर आ, कोई स्ट्रेस है समटाइम्स बाज़ स्ट्रेसर्स ऐसे होते हैं जो कि अनकंट्रोल्ड होते हैं अब ये तो हमने जो बात की वो हमने कंट्रोल्ड स्ट्रेसर्स की बात की थी कि जो पेरेंट्स का डांटना या टीचर्स का किसी चीज पे फोर्स करना या पेशराइज करना ये एक वैसा स्ट्रेस था अगर हम अनकंट्रोल्ड स्ट्रेसर्स की बात करें तो उसमें मल्टीपल इशूज़ हो सकते हैं जैसे कोई इलनेस हो सकती है कोई साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो सकता है कि जिसके बाद बच्चा स्ट्रेस में जा रहा है बहुत से ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं कि बच्चा जिनको फिक्सट कर लेता है अपने माइंड में और नहीं भूल पा रहा होता नहीं निकल पा रहा होता इन इवेंट्स से तो बच्चा मुसलसल स्ट्रेस में रहता है और आ, सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाता तो इसके लिए हम इस स्ट्रेस की जो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसमें रिलैक्सेशन टेक्निक है डीप ब्रीथिंग टेक्निक है प्रेशर हक टेक्निक है ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं कि ये आ, जैसे गहरी गहरी सांसें लेना लंबी लंबी सांसें लेना ठीक है डीप ब्रीथिंग टेक्निक कहलाती है किसी वक्त मैं अपना सेशन बनाऊंगी जो कि मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स पे ही होगा क्योंकि अभी इस वक्त हम उस पर अगर बात करेंगे तो बात बहुत तवील हो जाएगी तो हाँ मैं समझाऊँगी कि रिलेक्सीन टेक्निक जो है उसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं हम ब्रीथिंग टेक्निक हम किस तरह करवा सकते हैं बच्चे को या प्रेशर टेक्निक जो मैंने बताई वो क्या होती है वो ये होती है कि बच्चे को ज़ोर से हक करना बहुत ज़ोर से गले लगाना इससे क्या होता है जैसे हम बच्चे के साथ जब फिज़िकल कॉन्टेक्ट मेनटेन करते हैं मैंने देखा है कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बच्चों के साथ फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट मेन्टेन नहीं कर रहे होते है. बच्चों के साथ उनका कम्युनिकेशन वर्बल गैप भी होता है प्लस फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट गैप भी होता है उन बच्चों के साथ तो बच्चों के साथ एक तो कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म कीजिए सबसे पहली बात दूसरा ये कि बच्चों के साथ फ़िज़िकल कॉन्टेक्ट बढ़ाइए बच्चे को आप गले लगाइए बच्चे को आप बोसा दीजिए जैसा कि हमें पता है रसूल ख़ुदा की हदीस है कि बच्चे को बोसा देना कि कितना कितना इसका ज़रूर वाब है हमारा इस्लाम और हमारा जो रिलीजन है वो भी हमें इस बात की तरगीब देता है कि आप बच्चे से बोसा दें बच्चे को अच्छे अल्फाज से मुखातब करें उसका मैं आपको यहाँ पे बायोलॉजिकल रीज़न बताऊँ कि इसका देखिए हमारी तो रसूल ने और हमारे जो भी हमारे इस्लाम में जो भी बात की है उनका वो सबसे ज्यादा बच्चों के exactly. एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल वो हमारे सामने रोल मॉडल है और यकीन उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिकल रीज़न होता है वो जाहिर है उनकी कोई भी उन्होंने जो बात कह दी बल्कुल। वो वो बिल्कुल हतमन है और उसका कोई ना कोई, कोई रीज़न होता है इसका बायोलॉजिकल रीज़न ये है कि आप जब बच्चे के साथ फिजिकल कांटेक्ट मेंटेन करते हैं तो बच्चे के माइंड में एक हार्मोन है डपर्मेन हार्मोन दैट इज कॉल्ड हैप्पी हार्मोन हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होता है एंड दिस इज़ वेरी हेल्दी फॉर द किड्स ग्रोथ बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है ये हार्मोन बच्चों की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है ये हार्मोन बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है ये हार्मोन तो इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चे के बच्चे की बॉडी में डोपेमिन एक ख़ास मिकदार में रिलीज़ हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चे के साथ एक अच्छा एक हेल्दी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिल्ड करें बच्चे के साथ आप कम्युनिकेशन गैप नहीं रखें बच्चे के साथ कम्युनिकेट करें उससे बात करें बच्चा क्या चाह रहा है बच्चा क्या सोच रहा है बच्चा क्या फ़ील कर रहा है उसके पेस पर आकर बच्चे से बात करें और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप बच्चे से बात कर रहे हों तो कोशिश किया कीजिए कि आप बच्चे के साथ अपना आई कॉन्टेक्ट मेनटेन करें हम बाज़ दफ़ा ये होता है कि बच्चा हम किचन में किसी काम में मसरूफ़ हैं और बच्चा कोई सवाल कर रहा है आके तो हम अपने काम कर रहे होते हैं साथ साथ जो साथ साथ हम जवाब दे रहे होते हैं अब वो बच्चा बोलते हैं मम्मा आप सुने तो मैं क्या कह रहा हूँ आप मेरी बात में बोलते हैं जवाब दे, दे तो दिया सही बारे या बारे मैं सुन तो रही हूँ मैं कानून सुन तो रही हूँ तुम क्या बोल रहे हो नहीं बच जिस तरह से हमें इंपॉर्टेंस चाहिए होती है ना इस तरह बच्चे को भी और बच्चे को तो हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, नहीं तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि अमूमन ज्यादातर मदर्स के साथ होता है जैसे हम वर्किंग अगर है तो घर में काम भी करना है बच्चों को भी देना है वक्त पर सारी चीजें करनी है कुछ बोल भी रहे हो तो काम भी कर रहे हैं और उस पर फिर बच्चों की बात भी सुन रहे होते हैं मामा ये बात होती है प्रैक्टिकली मैं अपनी लाइफ में देखू बिल्कुल तो मामा मेरी मेरी तरफ देखें वो तो मेरा बेटा तो मुझे फेस ऐसे करके कहता हैं आप मेरी तरफ देख के मुझसे बात देखें ये आपने बिल्कुल पॉइंट की बात की और वाकई इसके लिए तो पेरेंट्स को करना चाहिए कि बिल्कुल बच्चे बिल्कुल बच्चों की ये नीड है कि जब बच्चा कोई बात आपसे कह रहा है ना तो आप बच्चों के पेस पर आए अगर बच्चा छोटा है जाहिर सी बात है आपसे तो आप झुक जाएँ झुक कर बच्चे के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करें और उसके बाद उसकी बात सुने और ज़ाहिर है बच्चों के क्वेश्चन और स्ली क्वेश्चन ही होते हैं बच्चे तो ज़्यादा बड़ों के लेवल पर आ बात नहीं कर सकते लेकिन ये बात आप बच्चों को नहीं बावर कराएं कि तुमने बड़ा स्ली क्वेश्चन किया है बच्चे आपसे जो भी बात पूछ रहा है बच्चा जो भी आपसे डिमांड कर रहा है उसको लॉजिकली उस बात पर आमादा करने की कोशिश करें अगर कोई ऐसी बात है जो कि आप मान सकते हैं तो ज़रूर मानिए बच्चों की बात और अगर कोई ऐसी बात है कि जो आप नहीं मान सकते तो बच्चे के साथ रीजनिंग करें बच्चे को लॉजिकली उसका रीज़न बताएं कि क्या रीज़न है जिस वक्त आप उसकी ये बात नहीं मान रहे और बच्चे की हर बात को इम्पोर्टेंस दें आज आप बच्चों की बातों को इम्पोर्टेंस देंगे आज आप बच्चे को इम्पॉर्टेंस देंगे तो कल यही बच्चे फिर आपको भी इम्पोर्टेंस देंगे बिल्कुल हम बच्चों से जो भी कुछ कहते हैं बच्चे उसके बिल्कुल अपोजिट करते हैं उसके अगेंस्ट हो जाते हैं इसका क्या रीज़न है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो लेकिन हाँ जनरली हम देखते हैं कैसा होता है पेरेंट्स की शिकायत होती है बिल्कुल कि मैं बच्चे से जो बात बोलता हूँ या बोलती हूँ बच्चा उसका अगेंस्ट कर रहा होता है अपोज़िट कर रहा होता है तो मे बी पॉसिबल सबसे पहले आप अपने आप को ऑब्जर्व करें कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसा कर रहे हैं क्योंकि बच्चा किससे सीख रहा है बच्चा हर चीज़ लर्न कर रहा है अपने इन्वामेंट से बच्चे का इमिडियट इन्वायरमेंट कौन है बच्चे के पेरेंट्स लेकिन यहाँ मैं एक छोटा सा सवाल ये करूँगी खान अफिन्ह कि अगर हम बच्चे से कोई सवाल कर रहे होते हैं तो बच्चा उस पर कहता है ये आपके ज़माने में ऐसा होता होगा अभी नहीं अब तो ऐसा होना चाहिए तो क्या ये भी फ़र्क है ज़माने का देखिए बिल्कुल फ़र्क है मौला अली का कौल है कि अपने बच्चों की तरबियत जमाने ज़माने के हिसाब से करो मौला ने यह नहीं कहा कि बच्चों की तरबियत अपने हिसाब से करो हम यहाँ पर क्या इम्पोज़ कर रहे होते हैं बच्चों में जैसे जो कुछ हमने किया होता है हम बच्चों पे वो चीज़ तमाम इम्पोज करना चाह रहे होते हैं बिल्कुल हमने तो पेरेंट्स ये कर तकरीबन पेरेंट्स यही कर रहे होते हैं अमूमन तो हमने अपने माँ बाप से सीखा आपको ये करना है ये या तो हम, हम तो ऐसा नहीं करते थे तुम ऐसा क्यों करता है तो भाई जब मोबाइल नहीं थे जब एक्सपोजर नहीं था जब जमाना बिल्कुल डिफरेंट था आज बच्चों का ज़माना बिल्कुल अलग है अगर आप बच्चों की तरबियत उसी अंदाज में करने लगेंगे तो फिर बच्चे ऐसे आंसर्स देते हैं जो कि आपने बोला कि बच्चे ऐसा कहते हैं उसकी वजह ये है ना आप समझिए कि बच्चे की इस वक्त इस दौर के हिसाब से बच्चे की क्या नीड है उसको समझने की कोशिश करें उस हिसाब से बच्चे की तरबियत करें अच्छा आपने और क्या सवाल किया था इससे पहले अपोज़िट करते हैं एग्जैक्टली exactly. आपने ये पूछा था कि बच्चे अपोज़िट करते हैं उसका मैंने ये बोला सबसे पहले पेरेंट्स को चाहिए कि खुद अपने आप को ऑब्जर्व करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर बच्चे आपसे कोई बात कहते हैं तो आप पहले उसका अपोज़िट करते हैं फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ये गिलास रखा है यहाँ पर ठीक है अब बच्चा आया और बच्चे ने बोला मुझे ये गिलास चाहिए अब अमूमन अपने माशरे में देखते हैं बच्चे पेरेंट्स बोल के नहीं खींचे का गिलास है तुम तोड़ दोगे हम नहीं दे रहे तुम्हें ठीक ठीक है ऐसा होता है पहला रिस्पॉन्स क्या हुआ कि नहीं नो आया पहला रिस्पॉन्स बच्चे ने क्या लर्न किया नो. पहला रिस्पॉन्स क्या आ रहा है किसी भी बिहेवियर किसी भी बात के लिए नो आ रहा है बिल्कुल बच्चे ने वो चीज़ सीख ली अच्छा बच्चा रोएगा बच्चा जिद करेगा चीखेगा नेगेटिव बिहेवियर करेगा तो हम बोलेंगे फिर कोई बड़ा आके बोलेगा भाई दे दो ना इतना रोल क्यों रुला रहे हो बच्चों को इतना तो फिर वो गिलास हम उठा आगे के, हाँ। जो पहले हमने नो कर दिया था ना वो वो हम बच्चे को दे देंगे ये जो बिहेवियर हम जरूरी अपने माशरे में कर रहे होते हैं ये क्या करता है इससे बहुत सारी चीज़ें जो सामने आती हैं सबसे पहला एक तो ये कि आपने बच्चे को लर्निंग ये दे दी कि पहले नो करना है किसी भी चीज़ के लिए दूसरा क्या आपने बच्चे को ये लर्निंग दे दी इस पूरे बिहेवियर में इस ये जो पूरा इंसिडेंट है इस इंसीडेंट में आपने बच्चे को ये लर्निंग दी कि तुम अगर रोगे चीखोगे चिल्लाओगे गुस्सा करोगे तो आखिर में तुम्हारी बात मानी बिल्कुल अगर ने ने तुमने सिर्फ प्यार, प्यार से ऐसी एक दफा के बोला तो तुम्हें नो मिलेगा आंसर लेकिन तुम अगर, अगर तुम, तुम, तुम गुस्सा करोगे मैथ क्रिएट करोगे तो घर में दूसरे लोग परेशान होंगे तो वो आके मम्मा या बाबा से बोलेंगे भाई कर दो इसकी बात पूरी तो फिर बात पूरी हो जाएगी तो आपने बच्चे को ये दो नेगेटिव लर्निंग्स इस छोटे से ये बहुत छोटी सी बात है अगर हम वैसे देखें तो ये एक बहुत छोटी सी बात है ना जर्नली हो रही होती है और सुबह शाम हम कितनी दफ़ा इस तरह के बिहेवियर्स बच्चों के सामने कर रहे होते हैं कुछ हैं आपको पता है बच्चों का जो माइंड है इट्स जस्ट लाइक अ वाइट बोर्ड आप उस पर जो लिखेंगे आज वही बच्चों की पर्सनैलिटी उसी अंदाज में बिल्ड होगी लिहाजा बच्चों की तरबियत में बहुत ज़रूरी है कि पहले पेरेंट्स या जो भी बच्चों के बड़े हैं टीचर्स हैं पेरेंट्स हैं वो अपनी बिहेवियर्स पे गौर करें गौर व फिक्र करें कि हम ये जो बिहेवियर इस वक्त हम कर रहे हैं इसका हमारे बच्चे पे क्या इम्पेक्ट होगा? बिल्कुल सही कहना हम ये नहीं सोचते हम बच्चों को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं बस कोई बात नहीं बच्चे ही तो हैं हमें जो करना है हम कर रहे हैं जैसे कि बच्चा कभी हमारे साथ झूठ बोलता है तो हमें बहुत बुरा लग जाता है और वो बच्चा जब दरवाजे पे कोई बाबा को पूछने आता है बाबा कहते थे बोल दो मैं नहीं हूँ कहने को बहुत छोटी सी बात होती है लेकिन जब वो बच्चा बाबा से या मामा से झूठ बोलता है तो उसने वहीं सीखा घर से ही सीखा ना बाबा ने उसको मना किया बिल्कुल यही बात वैसे ही आ जाती है कि घर exactly. से ही बच्चा तरबियत सीख एक्जैक्टली exactly ऐसे ही अच्छा अब आपने जो सवाल ये किया था इसके लिए मैं स्ट्रेटेजी एक ये बताऊँ की देखें बात सही है शीशे का गिलास सही बात है कि बच्चे को देंगे तो बेबी पॉसिबल कि बच्चा तोड़ दे बिल्कुल अगर आप नहीं देना चाह रहे ना बच्चे को या आप किसी चीज पे नो करना चाह रहे हो तो आप पहले उसको नो नहीं करें आप बोले तुम्हें गिलास सही अच्छा आओ उसको बिठाएं कोई कोशिश करें कि बच्चे को आप शिफ्ट कर दें उसका जो डाइवर्ट कर दें ड्राइवर को वो ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप पहले नो बोलें नो नहीं कहें आप उसका नहीं मैं बात तो नहीं चीज़ जो हो एग्जैक्टली exactly. उसकी बात सुने गौर से और उसको फ़ौर मतलब उस बच्चे को ऐसा लगे कि हाँ मेरी बात की इंपॉर्टेंस है जो मैंने कहा है वो बात मेरी मानी जाएगी उस लेवल पर नहीं मानी जाएगी तो किसी और लेवल पर आके मान ली जाएगी लेकिन मान आ जाएगी जब मैं प्यार से बोल रहा हूँ अगर आपने एक दिन डिसाइड कर लिया है कि आपको ये गिलास बच्चे को नहीं देना फॉर एग्जाम्पल ये गिलास ना हो ये कोई ऐसी चीज़ हो जो कि हार्मफुल है बच्चे के लिए और आप चाह रहे हैं कि बच्चे को नहीं देना तो फिर चाहे बच्चा रोए चीखे चिल्लाए आप उसको किसी और तरह बहलाएं उसको किसी और चीज़ में लगाएं कुछ डाइवर्ट करें उसका माइंड लेकिन अब वो चीज़ जो आपने मना कर दी थी वो नहीं देनी उसको फिर दोबारा क्योंकि अब अब वो चीज़ आप उसकी इसकी जिद पे दे देंगे तो फिर आप उसको स्टर्बन मना उसका फिर पेरेंट्स की शिकायत होती है कि बच्चे हमारे पास स्टर्बन हो रहे हैं स्टर्बन हम करते हैं बच्चों को क्योंकि हम बच्चे के साथ ज़िद कर रहे होते हैं जिद बच्चे नहीं कर रहे होते हम जिद कर रहे होते हैं बच्चा बोल रहा है ये चाहिए नहीं हमें चाहिए मुझे इसमें ये करना नहीं मैं नहीं दे रहा मैं नहीं दे रही ये जो ये जो बच्चे की तकरार बढ़ती जाती है और हमारी जिद जिद बढ़ती जाती है हम बच्चे के साथ जिद कर रहे होते हैं आप उसको नो 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 नहीं सिखाएं आप उसको डाइवर्ट करें आप उसको कोई दूसरी ऐसी अट्रैक्टफुल एक्टिविटी दूसरी उसके सामने ले आएं कि वो उस चीज़ को भूल जाए और उसके सामने हो टिविटी लग जाए उसमें लग जाए बिल्कुल इट्स ए सिंपल तो ये एक सलूशन है कि अगर हम इस तरह से अपनी पेरेंटिंग करेंगे तो इनशाला ये इशू सामने नहीं आएंगे कि बच्चा आपका अपोजिट नहीं करेगा फिर फिर बच्चा वही करेगा जो आप चाहते हैं बिल्कुल सही कहा आपने अच्छा एक सवाल और कि हमारे बच्चे और बच्चों के मुकाबले में इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होते इसकी क्या वजह है देर कैन बी मल्टीपल रीजन फॉर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अब uh, जाहिर है मुझे इंडिविजुअली तो नहीं पता कि आप किस बच्चे के बारे में बात कर रही हैं और क्या इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट नहीं है लेकिन अगर हम जनरलाइज़ होकर बात करें तो बच्चे को कॉन्फिडेंस देने के लिए यही बात जो भी हमने की बच्चे को आप इम्पोर्टेंस देंगे अगर उसकी बात को तो बच्चे की पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा अगर बच्चे को घर से कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा बच्चे को घर से नेगेटिव मिल, फ्रेजेस मिलेंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते या तुमने जो ये बात की यह बहुत फजूल और बहुत बेकार बात है अगर इस तरह के जुमले घर से बच्चा सुनेगा कभी भी उसकी पर्सनैलिटी एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी नहीं हो सकती इस अलावा कुछ बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजीज़ हैं जो अगर हम रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में यूज़ करें तो हमारे बच्चे जो हैं वो मज़ीद कॉन्फिडेंट हो सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल रात में जब मैं खाना बनाने जा रही होती हूँ किचन में अपने बच्चों के सामने कुछ ऑप्शन रखती हूँ फॉर एक्जाम्पल मेरे माइंड में है कि मुझे दाल चावल बनाने हैं आज लेकिन बच्चों को मैं ऑप्शन दूंगी कि बेटा आग आज आप बताइए कि आज ब्लैक वाली दाल बनाएं येलो वाली दाल बनाएं या ऑरेंज वाली दाल बनाएं आप बताएँ कौन सी वाली दाल खानी है तो अब मेरे माइंड में तो है कि मुझे दाल चावल बनाएं लेकिन बच्चे के सामने मैंने ऑप्शन रख दिए अब बच्चा बताएगा कि नहीं मम्मा येलो नहीं खानी है आज तो आप ब्लैक वाली दाल बनाएं मुझे तो वो खानी है अब हमने कहा ठीक है बेटा अगर तुमने बोला है कि ये वाली दाल बननी है तो ठीक है आज यही खाना बनेगा घर में किचन में जाके वही खाना बनाया टेबल पे हम सब बैठे पूरी फैमिली बैठी जब वो खाना सब खा रहे हैं तो आप घर के बड़ों को ये बात बताएं कि पता है आज जो खाना बना है वो आज इसकी पसंद से बना है ये मेरे बच्चे ने ऑप्शन दिया था इस खाने का तो देखें ये कितना अच्छा ऑप्शन दिया ना इसने और ये इसकी पसंद से आज खाना बना है बच्चा टेबल पर बैठा बस क्या सुन रहा है कि जो पूरे घर के लिए जो आज खाना बना है वो मेरी पसंद से बना है जो मैंने चूज़ किया था हमारे माइंड में थी हमने को लेकिन हमने उस कैटेगरी में से ही बच्चे को ऑप्शंस दे दिए इसी तरह कहीं पे आप पार्टी में जा रहे हैं कहीं पर जा रहे हैं तो आप आ, कुछ दो तीन कपड़े जो हैं वो सिलेक्ट करके बच्चे के सामने बच्चे को चॉइसेस दें उस चॉइसेस में से बच्चा जो सिलेक्शन करे कोशिश करें कि अगर वो सिलेक्शन आप पूरी कर सकते हैं वो बात पूरी कर सकते हैं वो करके और दूसरों को भी बताएं कि आज ये मैंने ड्रेस अपने बच्चे की पसंद से पहना है इसने बोला था कि मम्मा आज आप इस कलर का ड्रेस पहने तो ये छोटी छोटी चीजें हैं ये आपके बच्चे को कॉन्फिडेंट तो है मजबीत कॉन्फिडेंस एक्जेक्टली खुश होता है अगर कुछ जगहों पे मेरा बेटे ने मुझे कुछ कहा ये पहने और मैंने वो पहना उस सला गई उसको मैंने पहन के दे सबने का पता है आज मामा ने मेरी इस पे किया ये हकीकत है आप बता, रही आप एग्जैक्टली बच्चे से पहले कोशिश करें आप खुद ये बात बताएं ताकि बच्चे को ऐसा लगे कि आई एम वेरी इंपॉर्टेंट माई डिसीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट मेरे जो डिसीजन है वो बहुत अच्छे होते हैं और वो इतनी इम्पोर्टेंस रखते हैं कि मम्मा पापा अपनी लाइफ में उन डिस के हिसाब से काम कर रहे होते हैं तो ये चीज बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड और जैसे दस्तर खान पर बैठे बहुत से मामला डिस्कस होते हैं तो उसमें जैसे होता है ना कि बच्चों की भी राय जैसे देते हैं बच्चे बात दफा बहुत अच्छी बात कहते हैं बिल्कुल अमूमन मेरे ख्याल से जैसे मैं आपसे पूछू कि बच्चों को झड़कना नहीं चाहिए उस वक्त उनकी सुननी चाहिए उनके कॉन्फिडेंस भी आता है कि और हमारी बात को सुना गया और उस पर अमल भी हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है और अगर अमल हम नहीं कर सकते या कोई ऐसी बात है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है तो बच्चे को वही जो मैंने कहा कि लॉजिकली समझाए उसका रीजनिंग दे आज का बच्चा वैसे भी रीजनिंग मांगता है बिल्कुल नो करेंगे तो वो नहीं नो मानेगा वो बोलेगा रीजन वट इज द रीजन बिल्कुल सही तो आप उसको आप उसके पूछने से पहले आप उसको खुद लॉजिकली कन्विंस करें चीजों पर कि देखो बेटा इसके ये कॉन्सिक्वेंसिस हैं फॉर एग्जांपल ये एक बिहेवियर है इसके ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हैं ये पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस हैं बच्चे के साथ डिस्कस करें ताकि उसको पता हो बताओ फिर बच्चा आपके साथ आपके पेज पे आके खुद डिसीजन ले आपके साथ इस तरह बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा बच्चे की पर्सनैलिटी एक अच्छी ग्रूमिंग पर्सनैलिटी कहलाएगी लेकिन खौान मुझे आपसे ये कहना था कि बच्चे घर के अंदर तो बहुत से बोल रहे होते हैं कोचेस पढ़ रहे होते हैं जैसे अभी मुहर्रम आ रहा नो है नोहा खानी करना घर में लाकरी का बच्ची कर लेती है लेकिन जब बाहर जाते हैं तो बाहर सबके बीच में बच्चे क्यों नहीं कर पाते ठीक है देखिए ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है ये हम बड़े हम बड़ों की भी अगर आ, बात की जाए हो सकता अगर है अगर हमारे सामने बड़े बड़े कैमराज लगे हुए हों और अगर हमारे सामने बहुत ऐसे लोग बैठे हुए हों जो कि हमसे ज्यादा किसी भी चीज में हमसे सुपीरियर हैं बिल्कुल आइदर वो एकेडमिकली हमसे सुपेरियर है किसी भी डोमेन में हमसे सुपीरियर हैं तो हम वहाँ पर थोड़ा सा डिफेंसिव फील कर रहे होते हैं हालांकि हमारी अपनी एक पर्सनैलिटी है हम खुदा माशा बड़े हो चुके हैं लेकिन उसके बावजूद ये एक, एक, एक ऐसी चीज़ को हम फेस कर रहे होते हैं बिल्कुल सही ऐसा ही है या नए लोगों में जाकर एकदम से हम कॉन्फिडेंटली मे बी पॉसिबल कि जितना कॉन्फिडेंटली हम अपने पेयर्स के साथ बात कर लेते हैं या जितना ईजीली अपने पेयर्स के साथ बात कर लेते हैं उतना इजीली हम हर गैदरिंग में बात नहीं कर पाते, पाते जब ये फी जब ये चीज़ बड़े फेस करे तो जहर बच्चे तो फिर बच्चे हैं तो बच्चों का यही होता है कि बच्चे को स्टेज कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप कुछ टेक्निक्स हैं वो करें मिरर के सामने बच्चे को खड़ा करें छोटी छोटी इसको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दें या कुछ ऐसी ऐसे नुहा के आप कह रही हैं कि नोहे मरसी ऐसी अगर चीज़ है तो बच्चों को आप घर में इसकी प्रैक्टिस जब करवाएं तो मिरर के सामने खड़े होकर करवाएं बिल्कुल सही उस और फिर बच्चे को जो है प्रेस करें उसके बाद अगर ये होता है कि बच्चा घर में कोई चीज़ कॉन्फिडेंटली कर रहा है लेकिन उसको बजाय प्रेजिंग के उसको क्रिटिसिज्म मिल रहा होता है ना बच्चे को अगर तो फिर वो कभी भी बाहर जाके कॉन्फिडेंटली वो नहीं। चीज़ नहीं कर पाएगा सर अगर आप उसको घर से कॉन्फिडेंस इस तरह से देंगे कि आप उसको उस उस चीज पर या उस बिहेवियर पर आप उसको प्रेज करेंगे तो बच्चे को के जहन में ये बात होगी कि हाँ घर से मुझे प्रेजिंग मिल रही है तो इट्स मीन बाहर भी मिलेगा बाहर भी नहीं अगर आप घर से ही क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देंगे तो बाहर तो बच्चा फिर जाएगा ही इस खौफ के साथ के न जाने कौन कौन होगा और वो कितना मेरे ऊपर क्रिटिसाइज़ करेंगे ठीक है सही बात बस अब आपसे सबसे आखिरी सवाल कि एक बच्चे का अच्छा किरदार हम कैसे बना सकते हैं हाउ टू मेक गुड करेक्टर ठीक है अच्छा किरदार हम ऐसे बना सकते हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि हमें खुद अपने किरदार को देखना है कि हम एज बींग पेरेंट हमारा किरदार कैसा है बच्चा क्या देख रहा है कि पेरेंट्स का आपस में रिलेशन कैसा है पेरेंट्स जब गुस्से में आते हैं तो पेरेंट्स अपने एंगर को किस तरह से मैनेज करते हैं पेरेंट्स के जब आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पेरेंट्स अपने कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से डील करते हैं ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें गुजर रही होती हैं और बच्चे इसको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं जैसा कि हमने बात की ना कि बच्चों का जो माइंड है जस्ट लाइक अ वाइट बोर्ड तो वो जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वही चीज़ उनके दिमाग पर उनके वाइट बोर्ड पे लिखी जा रही है वही इनकी पर्सनालिटी बन, बन रही है इफ़ यू वांट योर चाइल्ड टू बी अ मैन ऑफ अ गुड करेक्टर सो वॉट यू हैव टू डू आपको अपना बिहेवियर आपको अपना किरदार बेहतर से बेहतर बनाना है अपने किरदार को बेहतर बनाने में कुछ कॉम्पोनेट्स हैं जिसकी हम यहाँ पर बात करेंगे नंबर वन इज ट्रुथफुलनेस अपने बच्चे को सच्चा बनाएं अपने बच्चे को झूठ ना सिखाएं झूठ ना सिखाने के लिए जो आपने भी एग्ज़ैम्पल दी थी है कि हम बच्चे को तो कह रहे होते हैं कि झूठ ना बोलो और हम खुद झूठ बोल रहे होते, हैं। रहे होते हैं सही बात है तो इन चीज़ों पर बहुत बहुत ध्यान करें कि भाई आप अगर बच्चे को एक ट्रूथफुलनेस सिखाना चाह रहे हैं तो उसके लिए खुद आपको सच्चा बनना पड़ेगा बच्चे को ये बात सिखाएं ये एक्सेप्टबिलिटी सिखाएं कि कितना ही बड़ी गलती कितना ही बड़ा गुनाह कितनी ही बड़ी कोई तुमसे गलती हो जाए माँ बाप को पेरेंट्स को आके बताओ और एक्सेप्ट करो अपनी गलती को झूठ नहीं बोलो एक एक ये चीज़ सेकंड ये रिस्पेक्ट बच्चे को रिस्पेक्ट करना सिखाएं उसके लिए भी सबसे ज़रूरी ये है कि आप खुद बच्चे को डिसरिस्पेक्ट ना करें अगर आप इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल्स आप बच्चे को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो बच्चा फिर यही लर्न कर रहा है और बच्चा बच्चे को नहीं फिर समझ आएगा कि वो आपको किस तरह से रिस्पेक्ट दे इसलिए इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चों से प्यार से बात करनी चाहिए बच्चों से आप जनाब से बात करनी चाहिए आप बच्चों से जिस जिस लेवल पर आकर और जिस अंदाज में बात करेंगे बच्चा पलट के आपसे वैसे ही बात जनाव करता जनाव है नंबर थर्ड ट्रूथफुलनेस की बात की हमने रिस्पेक्ट की बात की नंबर थर्ड सेंसियरिटी एंड हार्ड वर्क बच्चे को बताएं कि तुम जिस भी फील्ड में हो तुम जिस भी जगह पर हो वहाँ पर तुम्हें सेंसियर होना है उसके साथ सिंसियरिटी के साथ उस काम को करना है और हार्ड वर्किंग करनी है ये नहीं शॉर्टकट तलाश नहीं करनी अपने बच्चों को शॉर्टकट की आदत ना डलवाएं अपने बच्चों को हार्ड वर्कर बनाएं आपके बच्चे अगर हार्ड वर्किंग होंगे तो वो सिंसियर भी होंगे अपनी उस जॉब के साथ या अपने उस फील्ड के साथ जिस भी फील्ड में वो वर्क कर रहे हैं तो ये कुछ दो तीन ऐसे पॉइंट्स हैं ऐसे कॉम्पोनेंट्स हैं कि जिस पर काम करते हुए इसके अलावा बच्चों को आप हेल्पिंग हैंड बच्चों को आप सिखाएं कि हाउ टू गिव बच्चों को देने वाला हाथ नहीं बच्चों को लेने वाला नहीं देने वाला हाथ रखें मतलब बच्चों को आप ये सिखाएं कि देने की जो खुशी है वो लेने से कहीं ज़्यादा है देकर जो खुशी होती है वो लेकर नहीं होती तो ये चीज़ ये चीज़ें आप बचपन से बच्चे के माइंड में अगर एम्पोज करेंगे डलच करेंगे तो बड़े जा बड़े होकर बच्चों की पर्सनैलिटी में यही चीज़ हमें नज़र भी आएगी बिल्कुल सही कहा तो बस यहाँ हम अपने प्रोग्राम का वक्त की कमी की वजह से अख्तितम करते हैं और सद आफशीन जहरा का बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया और हमें बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत अच्छी अच्छी बातें एज आ पेरेंट्स एज आ टीचर्स बताई हैं इन सब उस परमल कर करकर अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाएंगे इमाम का सिपाही बनाएंगे इन शुर मिलेंगे अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ